आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं पर सहाबा कराम थे, और ये दूसरी वाली साइड पे ये जो बिल्डिंग जिस बनी हुई है इसकी बैक साइड पे कुफार थे। तो जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का से निकल चुके हैं और ये जुदाई काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट किया हमने, अदनान भाई मेरे साथ थे, इन्होंने भी अपना पहला उम्रा कंप्लीट किया, दूसरा भी कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी इनके साथ मज़ा आया। अभी हम जा रहे हैं मदीने, और मदीने के लिए हम लोगों ने परमिट ले लिया है रोजे का, आज रात का, और इसके साथ साथ हम लोग रास्ते में इंशाल्लाह बदर जाएंगे, जो बदर का मैदान है वहाँ की भी ज़्यारत कराएंगे, हमको भी कराएंगे इंशाल्लाह, हम भी करेंगे, और हमारे साथ रहिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह मदीने जाएंगे और आपको मदीना की ज़रा ज़्यारत करवाएंगे इंशाल्लाह। रास्ते पे आते हुए हमें बस ड्राइवर ने बताया कि जब हम बदर रोड की तरफ, मदीना हाईवे से बदर रोड की तरफ आ रहे थे, तो बस ड्राइवर ने हमें बताया कि अगर आप लोगों को कुछ खाना पीना है या कुछ लेना है तो आप यहीं से ले लीजिए, क्योंकि उस रोड पे ना तो कोई शॉप है, ना तो कोई मुहत्ता है, ना तो रास्ते में कोई घर है, क्योंकि एक सुनसान आबादी है। तो वाकई में मुझे समझ आ गया, जब मैं अभी इस सुनसान आबादी से गुज़र रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कितना सुनसान है, और 1400 साढ़े 1400 साल पहले ये क्या मंज़र देता होगा ये सहरा। तो ये वाकई में एक बिल्कुल ही अलग ही मंज़र दे रहा है, और मैं इसको फ़ील कर सकता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी और उसके बाद भी, अब तक जब तक ये मदीना मक्का रोड नहीं बना था, यही रूट लोग इस्तेमाल करते थे मक्का से मदीना आने के लिए और मदीना से मक्का आने के लिए। तो इसी रास्ते में बदर का मकाम आता है। तो दोस्तों, हम अभी बदर पहुंच चुके हैं। ये आप ये बदर का जो टाउन है, जो शहर है, उसका नज़ारा देख सकते हैं। ये आप देखें कि उस टाइम में बिल्कुल एक सहरा था, बयाबान था, शायद कुछ लोग रहते हो यहाँ पर, लेकिन जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैदान जंग था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता होगा उस ज़माने में। और अभी माशाल्लाह से एक पूरा शहर बन चुका है सिर्फ इस मकाम की वजह से, माशाल्लाह। जी तो दोस्तों, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम बदर के मकबरे में पहुंच गए हैं, और ये आप जो पीछे जालियों के बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये सारा मकबरा है, और यहीं पर वो वाक़या हुआ था। उसका जो मैदान है वो इसके साथ ही, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। ये मकबरा है और यहीं पर तमाम शुहदाए कराम मदफून है, जो कुफ्फार है वो भी यहाँ पर मदफून है। इस मौरके में तकरीबन 313 सहाबा कराम ने हिस्सा लिया था, और उसके हिसाब से जो कुफ्फार थे उनकी तादाद 1000 के करीब थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जंग में शामिल थे, और ये इस्लाम की पहली जंग थी कुफ्फार के ख़िलाफ़, और इसी से पता हुई थी इस्लाम को, और वो पता अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम और दायम है। आगे वीडियो में मैं आप लोगों को उस मैदान के बारे में बताऊंगा, जो कि जहां पर ये मौरका हुआ था, और जिस पहाड़ से जो परिश्ते थे, जो आसमान से उतरे थे परिश्ते, वो कौन से पहाड़ से उतरे थे उसके बारे में बताऊंगा वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम पूरे जगह की ज़्यारत करवाऊँगा। दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो जो 14 सहाबा कराम शहीद हुए थे,
उनकी नाम की तख्ती सामने लगी है, तो उसकी मैं आपको ज़्यारत करा देता हूँ ताकि वो आप नाम देख ले। 14 सहाबा कराम थे, जिनमें से जो 8 का ताल्लुक है वो अनसार में से था और जो 6 का ताल्लुक है वो महाजरीन में से थे, उनका ताल्लुक मक्का से था। ये आप देखिए इस बोर्ड पे वो सारे नाम दर्ज है और ये नाम इस बात का सबूत है कि ये लोग आज भी ज़िंदा है और सुरखरू है, जबकि किसी भी काफिर का नाम इस बोर्ड में दर्ज नहीं है, कोई उनका नाम तक नहीं जानता, लेकिन ये सहाबा कराम के नाम इस बोर्ड पे दर्ज है। जी तो मैं इस वक्त हूँ मैदान बदर पर, यहाँ यही पर मुहर्रका हुआ था कुफार और मुसलमान, कुफार का मुसलमानों के साथ, कुफार की तादाद 313 थी और मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार की तादाद 1000 के करीब थी, और कुफार हर तरह से मजबूत थे साजो सामान के साथ, जंगी हथियार के साथ, जबकि मुसलमान चंद हथियारों के साथ, चंद ऊँटों के साथ और 2 घोड़ों के साथ लड़ पड़े थे। और जो ये पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, इसको मलाइकतुस्समा कहते हैं, आसमान से मलाइका यहीं पर उतरे थे और फिर उन्होंने मुसलमानों की मदद की थी उस जंग में और मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है कि हम कमज़ोर हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन अल्लाह ताला हमारा ग़ैबी मदद लाजमी फरमाएगा, इसका हमें यकीन होना चाहिए, हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहीं पर सहाबा कराम थे और ये दूसरी वाली साइड पे ये जो बिल्डिंग जिस बनी हुई है इसकी बैक साइड पे कुफार थे, तो यहाँ पर ये मुहर्रका हुआ था जिसमें मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। ये मेरे पीछे मस्जिदुल सरीर है जो बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर की थी। ये सामने मस्जिदुल सरीर है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तामीर की थी बाद में, और ये पूरे मैदान बदर का नज़ारा है। ये जो बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं, वो जो पीछे पहाड़ी नज़र आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ, वहीं पर ये जो 2 बिल्डिंग्स है इसके बैक साइड पर कुफार थे और इस साइड में मुसलमान थे जहाँ पर पकड़ो, और सामने पहाड़ी से पहाड़ी को मलाइकतुस्समा के थे और यहीं पर मलाइका आसमान से उतरे थे और उन्होंने मुसलमानों की ग़ैबी मदद की थी। अभी थोड़ी देर में मगरिब होने वाली है और हम मगरिब से पहले पहले यहाँ से निकल रहे हैं मदीना के लिए, और मैं इस मैदान में खड़ा हो के सोच रहा हूँ कि आज से 1400 साल पहले या 1450 साल पहले क्या मंज़र होगा और क्या यहाँ पर गुज़रा होगा उन सहाबा कराम के ऊपर, और फिर अल्लाह ताला ने कैसी उनकी ग़ैबी मदद फरमा दी। मैं ग़ुरूबे आफ्ताब की तरफ देख रहा हूँ और ये शायद सूरज मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, चीख चीख के कहना चाह रहा है, क्योंकि इसने ये मंज़र देखा था आज से 1400 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। ये चीख चीख के बता रहा है कि चाहे तुम्हारी तादाद लाखों में हो या करोड़ों में हो या तुम एटमी कुव्वत रखते हो, तुम अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस पूरी वीडियो के दौरान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरी ज़ुबान से कोई गुस्ताखाना अल्फाज निकले हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप मज़ीद इस तरह की खूबसूरत वीडियोस देख सकें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।